जीवन एक ऐसा खेल है जिसमें जीतना जरूरी है, हारे तो खेल खत्म। पढ़िए बेस्ट सेलर्स, मैं मन हूँ, मैं कृष्ण हूँ और 101 सदाबहार कहानियाँ के लेखक दीप त्रिवेदी की नई किताब 3 आसान स्टेप्स में जीवन को जीतो, 50 प्लस आसान डे टू डे प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस के साथ। ये किताब अंग्रेजी, हिंदी, मराठी और गुजराती में सभी प्रमुख बुक स्टोर्स और ई कॉमर्स साइट्स पर उपलब्ध है। डीप टॉक्स ताओ ते चिंग बाय दीप त्रिवेदी। अंधकार देखना एक शुद्ध दृष्टि है, कब झुकने का ज्ञान होना सच्ची शक्ति है। आप स्वयं प्रकाशित होएं और प्रकाश की ओर गति करें, यही अनंत की खोज कहलाती है। 4-5 बातें इसमें हैं। पहली बात है, अंधकार देखना शुद्ध दृष्टि है। बस बुद्धि अहंकार को बेमतलब के अंधकार दिखते और अंधकार देखती ही नहीं है ना। तो अंधकार देखना शुद्ध दृष्टि है। आप प्लानिंग करते कि मैं ये करूंगा, इतनी मेहनत करूंगा। मैं कहता हूं आप एक बार देखो कि तुम पाओगे क्या, और जो पाओगे क्या वाकई उससे सुख मिलने वाला है, क्या वाकई उससे खुश रहने वाले हो। जरा देखें, अंधकार देख लें कोई भी चीज में, हर एक में हरा हरा मत देखें, अंधकार देख लें। 90% चीजों में आप रुक जाएंगे, अपने साथ जबरदस्ती नहीं करेंगे। अंधकार देखते ही नहीं है। जब भूत सवार होता है ना अहंकार बुद्धि को पाने का, तो कुछ देखता नहीं है। ऐसा लगता है कि आहा बस यही लॉटरी है, जब लग जाती तो मालूम पड़ता है एटम बम लेके आए, है ना। कोशिश करना तो पक्का समझ लें, अंधकार देखें, क्योंकि कोई भी सफलता बगैर असफलता के नहीं बनती। 2 जन्म एक साथ है, मैं बार बार बता रहा हूं। आप जो भी खुशी खोजते, आप जो भी खोजने जाते, उसके पीछे अंधकार छिपा है। आप अंधकार भी देख लें और समझ लें कि इस अंधकार की कॉस्ट पे वाकई ये जो आप करना चाह रहे हैं वो वर्थ है या नहीं है। कभी कोई काम ऐसा हो ही नहीं सकता जिसमें सिर्फ उजाला हो। तो लाओ त्ज़ू कह रहे कि अंधकार देखना शुद्ध दृष्टि है, कि इतना इतना मैं खोऊंगा और फिर ये पाऊंगा, ये वर्थ है या नहीं है, क्योंकि आप खोएंगे जरूर। इसलिए कोई भी चीज पाने के लिए दौड़े उसके पहले देख ले। फिर कह रहे हैं कब झुकना, कब झुकने का ज्ञान होना यह सच्ची शक्ति है। बस यहां आकर फिर दिक्कत है, बुद्धि अहंकार पहले तो दौड़ाती, फिर थोड़ा सा हम दौड़ते और कई बार लगता कि ये गलत जगह है, फंस गए, है ना। लेकिन बुद्धि अहंकार कहती नहीं, 4 कदम चलो तो 40 चलो। अरे भाई क्यों चले, 4 में मालूम पड़ गया गड़बड़ है तो पीछे आ जाओ, पीछे नहीं आने देती। ये भी जीवन की परेशानियां ABCDZ में, मालूम पड़ गया कि गड़बड़ है, पीछे नहीं आने देती, नहीं नहीं, लेकिन झुक जाओ। लाओ त्ज़ू कह रहे हैं कि झुक जाओ। कब झुकना कि भाई गड़बड़ हो गई, अब आगे नहीं बढ़ना, पीछे। तो आप जीवन के 90% जमेलों से बच जाएंगे, थोड़ा सा इस बात को समझना। और उसके अलावा भी अगर आपको आपके जीवन में युद्ध दें, तब तो खास ध्यान रखना कि कब झुकने की कला मालूम ना हो, तो युद्ध में कूदो ही मत, पूरा जीवन युद्ध है। आपके सारे रिश्ते भी युद्ध हैं, बुद्धि अहंकार झुकने नहीं देती। आपका पूरा व्यवसाय युद्ध है, आपका पूरा जीवन युद्ध है, लेकिन इस युद्ध में पड़ने के बाद भी कब झुकना, जिसको इस चीज का मालूम पड़ जाए वो सच्चा शक्तिशाली है। क्योंकि फिर उसके जीवन में हार नहीं है, उसके जीवन में दुख नहीं है, खींचना बड़ा आसान है, छोड़ना। आप कोशिश करना इन सूत्रों को जीवन में खोजना, जब तकलीफ आती कि यार हमको छोड़ देना था, हमने छोड़ा नहीं, हमको नहीं बढ़ना था, वापस आ जाना था, वापस आए नहीं। और गुरु जिसको हम कृष्ण कहते, वो तो इससे भी निराले होते, टॉप पर दुश्मन को माफ करते, समझ लेना। जो बिल गेट्स होते, जो एडिसन होते, जो आइंस्टाइन होते, जो कृष्ण होते। कब छोड़ने की कला, कितनी बार
कृष्ण के कई दुश्मन, जो कृष्ण की जान के दुश्मन है, कृष्ण के कंट्रोल में आ गए, लेकिन कृष्ण ने छोड़ दिया, क्योंकि वो कृष्ण के दुश्मन है। कौन से कृष्ण के? शरीर के, नाम के, द्वारकाधीश के। कृष्ण के दुश्मन नहीं है, कृष्ण नहीं मारते, तो छोड़ देते। आप भी युद्ध में रोज ऊपर नीचे होता आपको मालूम नहीं है। कभी किसी ने बिजनेसमैन जल्दी समझेंगे, कोई कोर्ट कचहरी गया होगा तो और जल्दी समझेगा, है ना। पेंडुलम है, बड़े ध्यान से समझना, जीवन में पति पत्नी के रिश्ते भी पेंडुलम है, अभी ऊपर नीचे होते। तो परिस्थितियां क्या होती है, आज आपके कंट्रोल में आ गई, है ना, फेवरेबल है, तब आप क्या करते, और खींचते, सामने वाले को दबाने की कोशिश करते, मत करना। ये पेंडुलम है, बड़ी मुश्किल से मौका मिला है, उसको माफ कर देना, वो जीवन भर याद रखेगा। आप माफ नहीं करेंगे और तनेंगे, 3-4 रोज बाद उसकी पोजीशन पावरफुल हो जाएगी फिर आप पछताएंगे, यार छोड़ दिया होता तो टॉप पे छोड़ने की कला भी जानो। टॉप पे छोड़ो, वो आपका एहसान कभी नहीं भूलेगा। पूरा कंट्रोल में आ गई पत्नी, उसको मालूम पड़ गया कि मेरी गलती है, अरे मत चिंता कर, मैं हूं ना, बस एक बार छोड़ दो, वो 20 बार छोड़ेगी ये बड़े प्यार से समझा रहा हूं। बिजनेस में, कोर्ट में आप युद्ध करते, वकील रोज चढ़ाते, अरे तुम्हारा केस पावरफुल है ना, फिर अचानक ऐसा होता कि वाकई पावरफुल हो जाता, सामने वाला कॉम्प्रोमाइज पे आता। आप दिल खोल के कर लो, क्योंकि वक्त बदलते टाइम नहीं लगेगा, समय बदलते टाइम नहीं लगेगा। फिर आप तनेंगे ना नहीं करना, तो वो क्या करेगा, बेचारे के पास ऑप्शन बचा, वो अपना केस पावरफुल करेगा, फिर आपके पास आएगा, फिर आप बोलेंगे यार कॉम्प्रो करना है, वो बोलेगा जा नहीं करना, अरे छोड़ो, टॉप पे छोड़ दो, जीवन में जादू है, आपके बड़े एहसान रहेंगे चारों तरफ, टॉप पे छोड़ दो बस, एकदम टॉप पे रेड हैंडेड पकड़ा जाए ना, तब माफ कर दो, वो आपको पूजेगा, हाँ हाँ इससे बढ़िया आदमी नहीं देखा। और ऐसा एक पैसा बांटोगे तो आपको 1000 पैसा मिलेगा। आप टॉप पे तनते, तो सब तरीके से मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, सूत्र गहरे हैं, समय कम है, तो कब झुकने का ज्ञान होना सच्ची शक्ति है। आगे लाओ जू कह रहे हैं, आप स्वयं प्रकाशित होएं और प्रकाश की ओर गति करें। आप स्वयं प्रकाशित होएं, दुनिया का कोई व्यक्ति, कोई ज्ञान आपको प्रकाशित नहीं कर सकता, वो आपको रोशनी दिखा सकता, लेकिन उस रोशनी का भीतर अनुभव आपको करना पड़ेगा, हमको करना पड़ेगा। बातों से काम नहीं चलेगा, मैं बार बार कहता हूं, बातों में, शब्दों में कुछ भी दम नहीं है, वो अनुभव भीतर आना चाहिए कि हाँ यार ये पेंडुलम में हम फंसते हैं। और कई बार ऐसा होता कि हम टॉप पे आते, ज्यादा तनते, और फिर स्थिति चेंज हो जाती, अनुभव आ जाएगा, आप इस सूत्र को फॉलो करेंगे कि टॉप पे छोड़ दो, माफ करो उसको, आपके हित में है, टॉप पे छोड़ोगे तो फायदा है। तो स्वयं प्रकाशित हो, यानी अनुभव भीतर लाओ, विचारों से नहीं। रोज दिन में 3 बार गीता पढ़ ली, उससे कुछ नहीं होगा, गीता का एक श्लोक भीतर उतर जाएगा तो काम हो जाएगा। बस मैं इतना ही आपसे कह रहा हूं, तो स्वयं प्रकाशित होए, और फिर आगे लाओ जू कह रहे हैं, और प्रकाश की ओर गति करें। एक बार अनुभव में आ गया, फिर उस अनुभव को पूरा खींच लो, उस ऊंचाई पर ले जाओ जहां कृष्ण बैठे हैं, उस ऊंचाई पर ले जाओ जहां एडिसन आइंस्टाइन बैठे हैं। अनुभव आ गया जीवन में कि हाँ ये गुण मेरे में है, उसको खींच लो। मैं बार बार कहता हूं, इतने गुण लाओ जू बता रहे हैं, मैंने अलग अलग तरीके से और ज्यादा बताए हैं, आप देख लो हमारे में कौन से हैं और उसको खींच लो। जैसे ही आप अपने गुणों को खींचेंगे, भीतर महाप्रकाश उतर आएगा। इतनी शक्ति है भीतर, जो लाओ जू कहते हैं कि कमरे के बाहर जाए बगैर आप पूरी दुनिया पे शासन भी कर सकते और पूरी दुनिया का ज्ञान भी पा सकते, बाहर जाने की जरूरत नहीं है। अगर आइंस्टाइन ने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी लिखी है तो बाहर से कहीं कुछ नहीं लिया है, है ना। न्यूटन ने लॉ लिखे हैं तो बाहर से कुछ नहीं लिया है, सर पे पड़ा लॉ निकला,
समझ लेना। तो बाहर से लेने की जरूरत नहीं है, टाइम और स्पेस आपको सिखा ही देगी, सब भीतर पड़ा है। तो स्वयं से प्रकाशित होएं, अपने भीतर अनुभवों को मजबूत करें और जो अनुभव आपको हो जाए उसको खींच लें, बस यही अनंत की खोज कहलाती है। अनुभवों में सब है, बातों में कुछ भी दम नहीं है। जीवन एक ऐसा खेल है जिसमें जीतना जरूरी है, हारे तो खेल खत्म। पढ़िए बेस्ट सेलर्स मैं मन हूँ, मैं कृष्ण हूँ और 101 सदाबहार कहानियाँ के लेखक दीप त्रिवेदी की नई किताब 3 आसान स्टेप्स में जीवन को जीतो, 50 प्लस आसान डे टू डे प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस के साथ। ये किताब अंग्रेजी, हिंदी, मराठी और गुजराती में सभी प्रमुख बुक स्टोर्स और ई कॉमर्स साइट्स पर उपलब्ध है। दीप टॉक्स ताओ ते चिंग बाय दीप त्रिवेदी। जो जानते हैं वे बोलते नहीं है, बड़ा प्यारा सूत्र है। जो जानते हैं वे बोलते नहीं है, जो बोलते हैं वे जानते नहीं है। अपना मुंह बंद करें, अपनी संवेदनाएं कमजोर करें, अपना मुंह बंद करें, अपनी संवेदनाएं कमजोर करें, आप अपनी धार कमजोर करें, अपनी ग्रंथियां खोल दें तथा अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखें, यह एक अति प्राचीन विधि है। हम स्टेप बाय स्टेप जाते हैं, एक तो कहते कहते बहुत कुछ कह जाते हैं और फिर हम लोग बोलते बोलते बहुत चीज बोल जाते हैं। जो जानते हैं वे बोलते नहीं है और जो बोलते हैं वे जानते नहीं है। अब आप समझ लेना, सत्य ऐसा ही है। अभी गुरु बोलते नहीं है, है ना, सब कुछ ब्यूटीफुल ऑटोमेशन है। हम बोलते हैं, बोलने का अर्थ है हम करते हैं, है ना, हम हर चीज कर रहे हैं, हमसे हो नहीं रही है, हम कर रहे हैं मजबूरी में, नहीं चाहते हुए भी। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर चीजें मजबूरी में हो रही है, अगर आप बोल रहे हैं तो आप जानते नहीं है कि बिन बोले भी काम होता है, है ना, बिन किए भी काम होता है, कर्ता गायब हो जाए और कर्म होता है, ये कला आप जानते नहीं है, इसलिए बोलते हैं। बोलने में सब कुछ आ गया, बोलना करना सीखना सब कुछ आ गया। कर क्यों रहे हैं? क्योंकि अज्ञान है कि ऑटोमेशन है। तो लाओ त्ज़ु कह रहे हैं कि जो जानते हैं वे बोलते नहीं है, लेकिन जो बोलते हैं, जो कर रहे हैं, वो जानते नहीं है। क्योंकि वो कर इसलिए रहे हैं कि उनके अनुभव में अभी नहीं आया कि मनुष्य जीवन मजबूरी नहीं है, मेरे मन में नहीं है और कोई काम मैं करता हूं, यही तो मजबूरी है, यही तो गुलामी है। और ये गुलामी क्यों आई? क्योंकि हम बच्चे पैदा हुए थे स्वतंत्र, इतनी शिक्षा पाली, अब उपाय क्या है? ये शिक्षा छोड़ के वापस बच्चे हो जाओ। बड़ी सिंपल थ्योरी है। सो ऑटोमेशन होगा तो आप कभी नहीं बोलेंगे, और बोल रहे हैं तो मेहरबानी करके भगवान का नाम मत दो, सत्य को बदनाम मत करो, समय को बदनाम मत करो। मजबूरी है तो ये जान लो कि अभी समय इतना हमसे दूर है, ज्ञान इतनी दूर है, इसलिए हम मजबूर है। मजबूर आप है नहीं किसी बात के लिए, किसी सूरत, किसी क्षण। इसलिए लाओ त्ज़ु आगे कह रहे हैं कि आप अपना मुंह बंद करें, अपना मुंह बंद करें, न बोले न करे न सुने न देखे, जो अपने आप हो जाए होने दें। आप अपना मुंह बंद करें और संवेदनाओं को कमजोर करें, आपकी संवेदनाओं को कमजोर करें कि अगर नहीं होगा तो क्या होगा। अरे नहीं होगा तब जो होगा तब होगा, अभी मन नहीं और कर रहे हैं, ये मर रहे हैं उसका हिसाब कौन देगा? मर तो आप अभी रहे हो, कल किसने देखा है? जीवन को उस मुकाम तक लाना पड़ेगा, जीवन को उस मुकाम पे लाना पड़ेगा। ये आपकी मंजिल है कि जो भी आवश्यक है वो करने का मन में हो, और जो मन में हो वही सामने हो। मिस मैच हो कैसे जाए, लेकिन ये मैच करना समय की ड्यूटी है, ये मैच करना समय की ड्यूटी है। वो हमारा मन ही ऐसा बनाता चला जाता कि जो मन में होता सामने स्पेस होती। तभी तो जनक कहते मुझे अपनी इच्छा पूरी करने से कौन रोक सकता है?
तो मेहरबानी करके अपना मुंह बंद करे, यानी सारी कोशिशें बंद कर दे, सारे प्रयत्न बंद कर दे, सारी मेहनत बंद कर दे, बोलना बंद कर दे, मुंह बंद कर दे और संवेदनाओं को कमजोर करें कि नहीं करूंगा तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा। महावीर भी तो मस्त थे, मीरा भी तो मस्त थी, हैं? इतने पत्थर पड़ने के बाद मस्त थी, इतनी हिम्मत मीरा लाई कहां से, इतनी हिम्मत महावीर लाए कहां से, भीतर से ही लाए हैं, कोई ऊपर से नहीं आई कि महावीर के लिए स्पेशल पैकेज है, हैं? भीतर से ही आई है, हमारे भी भीतर है, आप क्यों चिंता कर रहे हैं। आपके भीतर वो ऊर्जा है कि आपको अपनी मर्जी के विरुद्ध, लेकिन एक दिन में नहीं बढ़ेगी, ठीक है, लेकिन धीरे धीरे निगाह तो रखे उस पे कि वो ऊर्जा है, आवश्यक नहीं है फिर भी क्यों करें। छोटी मोटी मजबूरी समझ में आती मुझे कि चलो, लेकिन इतने मजबूर मत बने हर चीज से। जीवन एक ऐसा खेल है जिसमें जीतना जरूरी है, हारे तो खेल खत्म। पढ़िए बेस्ट सेलर्स मैं मन हूँ, मैं कृष्ण हूँ और 101 सदाबहार कहानियाँ के लेखक दीप त्रिवेदी की नई किताब 3 आसान स्टेप्स में जीवन को जीतो, 50 प्लस आसान डे टू डे प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस के साथ। ये किताब अंग्रेजी, हिंदी, मराठी और गुजराती में सभी प्रमुख बुक स्टोर्स और ई कॉमर्स साइट्स पर उपलब्ध है। दीप टॉक्स ताओ ते चिंग बाय दीप त्रिवेदी। आगे लाओजू कह रहे हैं कि आप अपनी धार कमजोर करें। ये जो बाहर से धारे ओढ़ी हुई हमने, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और ये शिक्षा और ऐसा और ये सत्कर्म, पाप, पुण्य, ये सब धारे कमजोर करें, उसमें कुछ भी दम नहीं है। समय जो करवा है वो आप पुरजोर एक ही हालत में कर सकते जब आपको कुछ भी ज्ञान ना हो। हर ज्ञान बाधा है, यही तो दिक्कत आ रही है। कृष्ण को कोई ज्ञान बाधा नहीं है तो कृष्ण वध भी कर पाते, छल भी कर पाते। समय की मांग तो हो, कोई कृष्ण छलिया थोड़े ही है, कृष्ण झूठे थोड़े ही है। ये थोड़े 24 घंटे झूठ बोलते, जरूरत नहीं है तो भी झूठ बोलते, ऐसा नहीं है। जरूरत तो पड़े है, माखन भी खाना है और माँ की मार भी नहीं खाना है तो क्या उपाय है, है? मजबूर तुम बनाते और झूठा मुझे कहते है? भाई सीधे सीधे माखन दे देती यशोदा या गोपियां तो कृष्ण को क्यों झूठ बोलना पड़े, जरा इस बात को समझो। अब समय ने लाद दिया कि भाई माखन भी खाना है और मार नहीं खाना है तो एक ही उपाय है, माखन खा के बोलो नहीं खायो माँ, है ना। तो मैं आपसे यही कह रहा हूं, समय को तय करने दे। आप पाप पुण्य ज्ञान अज्ञान के चक्कर में पड़ेंगे तो समय की मांग पे कर्म नहीं कर पाएंगे। शून्य ही है जिसकी समय से ट्यूनिंग है और इतनी शक्ति है कि समय की मांग पे एक अकेले कृष्ण पूरी धरती हिला के चले गए हैं। एक अकेला आइंस्टाइन का एक सूत्र एटम बम भी बना गया, मंगल पे भी पहुंचा गया, जने क्या क्या कर गया, एक ही सूत्र विज्ञान को कहां से कहां पहुंचा गया। सो अपनी धार कमजोर करें, आप हिंदू नहीं है, हैं? कोई आपके स्पेशल स्पेशल भगवान नहीं है। कोई बोल रहा है ये भगवान बेकार है तो आप झगड़ने पड़ते, क्या बात करता है तो, अरे तुम्हारा क्या जा रहा है, जिसको बोला वो तो आ नहीं रहा है झगड़ने को। तुम बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना हो जा रहे हो है? मैंने नहीं सुना कभी कि कोई क्राइस्ट, बुद्ध, कबीर, मोहम्मद ऊपर से आए कि ए, मेरे खिलाफ बोले मैं आ गया हूं, पागल है क्या वो लोग, बोलो तुम तो तुम्हारा क्या जा रहा है बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। अपनी धार कमजोर करें। कोई आपको बोलता तुम मूर्ख हो तो उसमें आपका क्या चला गया, उससे आप मूर्ख हो जाते, वो शिव का होता रे वरदान दे देता है, है? कि उसने कह दिया मूर्ख हो मतलब मूर्ख हो, अरे क्यों बार बार उलझते हो। तो अपनी धार कमजोर करें, आपका समय कीमती है, उसके पास कोई काम नहीं है, है ना, वो ढूंढ रहा कोई बहस करे तो आधा घंटा टाइम पास हो। आपका समय कीमती है, आप अपना काम करो यार। हाँ भैया मूर्ख हूं, एक सेकंड में निपट जाएगा, नहीं हूं आधा घंटा लगेगा। तो अपनी धार कमजोर करें, अपनी ग्रंथियां खोल दें, जो जो आपने दिमाग में मन में ख्याल है वो सब खोल दें आप। अभी दिक्कत क्या है, किसी को किससे प्रेम नहीं है, है ना, ऐसे विचित्र बंधन में समाज धर्म मिलके सारे रिश्तों को बांध देते हैं
कि उसमें सुख उत्पन्न हो ही नहीं सकता। दो मनुष्यों को मिलते ही नहीं आता आपस में कि कैसे मिलते हैं, इतना प्यारा मिलन है। अगर बादल हैं, पानी बरसाता, जमीन पे पानी बरसता, नदियां बहती, आप मिलन तो देखें, कितनी मस्ती आती, कितनी मस्ती आती। इन निर्जीव चीजों के मिलन से मस्ती आती। पूर्णिमा का चांद समुद्र को देखता और मस्ती से भर जाता। निर्जीव चीजों में मस्ती आती और हम मनुष्य आपस में मिलते तो क्या पैदा हो रहा है? मतलब हमारे में खराबी नहीं है, हमारे को मिलते नहीं आता, ये प्रॉब्लम है। वरना दो मनुष्य मिले और रास ना होए, क्या बात करते हैं आप? सो अपनी ग्रंथियां खोल दें। आपकी ग्रंथियां ऑब्स्टेकल है, बड़ी परेशान कर रही है। आपकी मान्यताएं, आपकी सोच, जो कुछ भी भीतर कचरा डाला है, वो कुछ भी खुल के करने नहीं दे रही है। आप भी खुल के करना चाहते, सामने वाला भी खुल के करना चाहता, एक दूसरे को खुल के समझना चाहते, लेकिन ऐसा जकड़ लिया है एक दूसरे को और अपने को कि कोई किसी को पहचानता ही नहीं है। सब गलत फहमियां है, कोई प्यार नहीं करता, गलत फहमियां है, क्योंकि प्यार खुला है। अगर आपकी उपस्थिति में मुझे झूठ बोलना पड़े तो इसका मतलब आपके प्यार में खोट है। बड़े ध्यान से समझ लेना, मुझे क्यों झूठ बोलना पड़े? अगर आपको मुझसे प्यार है तो मेरी हर चीज आपको स्वीकार्य होना चाहिए, हैं? अगर आपको मुझसे प्यार है, प्यार नहीं है, कंडीशन है, ये करोगे तो आई विल बी ओके विथ यू, है ना? कंडीशन में जी रहे हम, फिर हम भी कहते ये और वही हमारी परेशानी है। तो कोई भी मनुष्य किसी से भी प्यार करता है वो तभी बोलना जब उसके भीतर कोई ग्रंथियां ना हो। सामने वाले को मेरी उपस्थिति के कारण कुछ करना पड़ जाए या कुछ करने से अपने को रोकना पड़ जाए तो फिर आप प्यार नहीं करते। इतनी बड़ी प्रकृति, पूरी की पूरी उपस्थित है, कितनी शक्तिवान है, लेकिन उसकी उपस्थिति क्या हमको जबरदस्ती करती कि यार मैं तुम्हारा जीवन बना सकता, तुम शरण क्यों नहीं आते? रत्ती भर जबरदस्ती नहीं है, प्रकृति के प्रति हमको प्यार है, इतनी भी जबरदस्ती नहीं है। आप भी प्यार चाहते तो जरा सा भी व्यवहार ऐसा नहीं होना चाहिए कि सामने वाला क्षण भर को मरे। इसलिए ग्रंथियां खोल दो तथा आप अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखें। आपके बुद्धि अहंकार के चाहने से कुछ नहीं होने वाला। आपके तीन ऑटोमेशन है, बुद्धि अहंकार का ऑटोमेशन मजबूरी है, जो मजबूरी सिखाता है। मजबूरी की इच्छाओं से आप कभी कुछ नहीं पा सकते। मन का ऑटोमेशन पावरफुल है, वो इस क्षण की चिंता करता, वो इस क्षण में जीता, वो मस्ती चाहता, वो आनंद चाहता, वो वस्तु और व्यक्ति नहीं चाहता। फर्क समझ लेना, बुद्धि वस्तु और व्यक्ति चाहती, मन को वस्तु व्यक्ति से मतलब नहीं है, आनंद से मतलब है। कौन देता, किससे मिलता? और अंतिम ऑटोमेशन, अंतिम ऑटोमेशन की इच्छा आपकी इच्छा हो जाए, समय की इच्छा मेरी इच्छा हो जाए तो मुझे कौन असफल कर सकता? कोई नहीं, क्योंकि समय तो तय करता। ये ट्यूनिंग नहीं है तो दूसरी ट्यूनिंग कि भाई मन के साथ चलो, उसमें भी 30-40% समय आपके साथ रहेगा, 60% दुश्मन रहेगा। क्यों? क्योंकि हमने अपने को ऐसा बनाया है। लेकिन अपनी इच्छा समय पे ला देंगे बुद्धि अहंकार के जोर पर, कभी कुछ हासिल नहीं होगा, जीवन चला जाएगा, शरीर कमजोर पड़ जाएगा, बुद्धि मर जाएगी, जीना भूल जाएंगे और फिर मान लेंगे कि जीवन मजबूरी है, जीवन दुख है, जीवन में कुछ मिल नहीं सकता, जीवन ऐसा ही है। ऐसा नहीं है। तो ये लाओ त्ज़ु कह रहे हैं कि ये जो 5-6 चीजें हैं ये अति प्राचीन विधि है, स्टेप बाय स्टेप आप इसका पालन करें और दुनिया की ऊंचाइयां छुएं। क्या सपने साकार नहीं हो रहे हैं? जीवन जैसा चाह रहे हो वैसा आगे नहीं बढ़ रहा है? सोचते कुछ हो और हो कुछ रहा है? चिंता की कोई बात नहीं, चाहे आपकी उम्र जो भी हो, चाहे आप किसी भी हाल में जी रहे हो और चाहे आप कैसी भी परिस्थितियों से घिरे हुए क्यों ना हो, नए सिरे से प्रारंभ कर आप एक शानदार जीवन जी सकते हैं।
पढ़िए बेस्ट सेलर्स मैं मन हूँ और मैं कृष्ण हूँ के लेखक दीप त्रिवेदी की नई किताब 3 इजी स्टेप्स टू विन एट लाइफ, 3 आसान स्टेप्स में जीवन को जीतो, क्योंकि जीवन एक ऐसा खेल है जिसमें जीतना जरूरी है। ये किताब 50 डे टू डे प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस के जरिए आपको न सिर्फ अपने से मिलवाएगी बल्कि उलझनों से निकालेगी भी, तथा आपको अपने जीवन का मालिक बना देगी। फिर क्या, मन चाहा जीवन, दिल चाही मंजिल। यह किताब अंग्रेजी, हिंदी, मराठी तथा गुजराती में आत्मनिष्ठो.com और सभी प्रमुख बुक स्टोर्स तथा ई कॉमर्स साइट्स पर उपलब्ध है।